माननीय राज्यपाल राम नाईक जी के संस्मरणों पर आधारित मूल मराठी पुस्तक चरैवेति चरैवेति 25 अप्रैल 2016 को प्रकाशित हो जाने के बाद आज दुनिया की लगभग 10 भाषाओं के अलावा ब्रेल लिपि में भी उपलब्ध है। जीवन के हर पक्ष को अनुभव कर चुनौतियों को स्वीकार करने का संदेश और चरैवेति चरैवेति का पाठ पढ़ाने वाले हैं हम सभी के माननीय राम नाईक जी। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। श्री राम नाईक जी की चुनौतियों का सामना कर जीवन जीने की कला, सिद्धांत और सत्कार्यों को इतिहास हमेशा याद रखेगा। प्रयागराज में हुआ माननीय राज्यपाल राम नाईक जी के संस्मरणों पर आधारित मूल मराठी पुस्तक चरैवेति चरैवेति 25 अप्रैल 2016 को प्रकाशित हो जाने के बाद आज दुनिया की लगभग 10 भाषाओं के अलावा ब्रेल लिपि में भी उपलब्ध है। जीवन के हर पक्ष को अनुभव कर चुनौतियों को स्वीकार करने का संदेश और चरैवेति चरैवेति का पाठ पढ़ाने वाले हैं हम सभी के माननीय राम नाईक जी। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। श्री राम नाईक जी की चुनौतियों का सामना कर जीवन जीने की कला, सिद्धांत और सत्कार्यों को इतिहास हमेशा याद रखेगा। आपकी पुस्तक चरैवेति चरैवेति हिंदुस्तान में भी लोकप्रिय हुई है। आपका चरैवेति गुण धर्म बारंबार प्रशंसनीय व आदरणीय है। आपने हम सब प्रदेशवासियों को राज्यपाल होने का सही मतलब समझाया है। आपने राजभवन को भी प्रेम सदन बनाया है। बहनों और भाइयों और द्रोणाचार्य के समान महान रक्ष साधक हम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी का आज सभागार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, असाधारण होना तो कठिन नहीं होता, लेकिन असाधारण होकर भी साधारण बने रहना श्रम साधना है। अति विशिष्ट होना भी बहुत कठिन नहीं, लेकिन अति विशिष्ट महिमावान होकर भी सरल बने रहना निर्धारित नहीं होता। आपने चरैवेति चरैवेति का मंत्र गुनगुनाते हुए काल गति को भी चुनौती दी है। ऐसे महान भाव को इतिहास और गाथाएं अपने हृदय में सजोते हैं। आप देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल भी सरल अध्यात्मिक स्तर पर जीने वाले महान कर्मयोगी जाति धर्म और